assalamu alaikum students and welcome back to your social studies class and i am your teacher miss maria and as you know that we are doing unit number 3 that is citizenship and it's lesson number 1 uh, economics so uh, in our previous lecture we have done page number 78 so today we will do page number 79 now take out your textbooks and your pencils so uh, write down first of all, you have to write down the date on your page 24 for 2020 classwork, and day is Friday. So, what you have to do uh, today, what we will do, we will do imports and exports. Yani ke or daramdat, yani ke the things which we import to our country and the things which we export to other countries, all these are for the money or economy. to earn money, a country has to make and sell a lot of things. what they are saying to earn money, paise kamane ke liye every country or a country has to make or sell a lot of new things, different things. ठीक है हमें या हमारे country के लोगों को या country को बहुत सारी चीजें बनानी पड़ती हैं और बेचनी पड़ती हैं ताकि वो money earn कर सकें. ठीक है uh, then we earn by exporting our goods how we can earn uh, from the things we can export those things to those goods uh, to other countries take care. for example I have made this pencil and I will export it to the China or to any other country and then they will give me the money in the exchange of this pencil okay?

the things which we didn't found in our country we have a lot of things which aren't found in our country for example iron steel hand oil all these things we didn't found in our country our oil have chemicals and we have vehicles and so many other things Okay, which we can't find out in our country so we have to import them from the other countries like china japan usa and so many other countries theek hai but what it what happens to the import it costs more than our export theek hai isme bahut sara paisa lagta hai zahir hai hum paisa denge to hame ye sari cheeze milengi na तो उसके लिए हमारे पास पैसे होने भी ज़रूरी हैं ताकि हम import कर सकें और import करने के लिए क्या होगा हमारी export का भी अच्छा होना ज़रूरी है ठीक है

एक्सपोर्ट होगी दैन अवर इकॉनमी विल बी बेटर और इकोनॉमी होगी दैन वी विल बी एबल टू इम्पोर्ट थिंग्स फ्राम द अदर कंट्रीज वी कैन नॉट अफोर्ड टू इम्पोर्ट थिंग्स इफ वी डू नॉट अरन मनी बाई एक्सपोर्टिंग अदर थिंग्स एज आई हैव टोल्ड यू दैट वी आर नॉट एबल टू इम्पोर्ट अदर थिंगेस वी एक्सपोर्ट अवर थिंग्स टू द अदर कंट्रीज ठीक है we are not able to earn money by uh, without by exporting okay at the moment we import more things than we export uh, ऑन द सो मनी पॉइंट्स और इन आवर हिस्ट्री वी इम्पोर्ट मोर एंड एक्सपोर्ट लेस हम इम्पोर्ट ज़्यादा करना शुरू हो गए और एक्स, एक्सपोर्ट हमारी कम होना शुरू हो गई जिसकी वजह से हमारे कंट्री की इकोनमी जो है वो कम हो जाती है ठीक है और हमें लोन्स ले कर इम्पोर्ट करनी पड़ती है एज़ यू लर्न इन प्रीवियस यूनिट्स सम ऑफ द प्रोडक्ट्स वी एक्सपोर्ट आर कॉटन रैस लेदर एंड लैदर गोड्स कारपट्स सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड स्पोर्ट गुड वट दे आर सेंग डैट यू हैव लर्न इन योर प्रिवियस यूनिट दैट सम ऑफ द प्रोडक्ट्स विच वी एक्सपोर्ट जो कि हम भेजते हैं दूसरे कंट्रीज में उसमें कॉटन है राइस है लेदर है लेदर की चीज़ें हैं लेदर गोड्स हैं यानी कि टिकॉपट्स दैन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और कुछ स्पोर्ट्स की कुछ नहीं बहुत सारी स्पोर्ट्स की भी चीज़ें हैं क्योंकि पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स की चीज़ें कहते हैं कि वो बहुत अच्छी होती हैं ठीक है देन सम ऑफ द थिंग्स वी इम्पोर्ट आर रॉ मटेरियल्स फॉर सम ऑफ आवर इंडस्ट्रीज़ जो चीज़ें वई इम्पोर्ट थिंग्स विच वी इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज़ जो हम वहाँ से लेते हैं और उनके बदले हम पैसे देते हैं उन वो उनमें ज़्यादातर रॉ मटेरियल होता है ठीक है जो इंड जो कि हम किस लिए लेते हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ चीज़ें लेते हैं जैसे कि ऑयल टू रन देम एंड प्रोवाइड पावर मशीनरी इलेक्ट्रिकल गुड्स जिसमें ऑयल मैंने आपसे कहा कि ऑयल हमारे कंट्री में नहीं होता अगर कहीं पर है भी तो बहुत कम है तो हम इन इंडस्ट्रीज़ को रन करने के लिए ऑयल लेते हैं ताकि जो मशीनरी वगैरह है उसको पावर प्रोवाइड की जा सके ठीक है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सके दैन मशीनरी बहुत बड़ी बड़ी हैवी हैवी मशीनरीज़ जो इन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं दैन इलेक्ट्रिकल गुड्स और जितनी इलेक्ट्रिकल की चीज़ें हैं वो सब दैन टी एडिबल ऑयल ड्रग्स एंड मेडिसिन वग़ैरह भी हम दूसरे कंट्री से इम्पोर्ट करते हैं वी ट्रेड विद मैनी कंट्रीज ऑफ द मिडल ईस्ट हम किन कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा हमारी ट्रेड होती है तजारत यानी कि किन कंट्रीज़ के साथ हमारी ज़्यादा होती है वो मिडल ईस्ट की कंट्रीज हैं और वेस्टर्न यूरोप वेस्टर्न यूरोप है एंड विद चाइना जपान एंड द यू एस ए लेट्स हैव अ लुक ऑफ मिडल ईस्ट कंट्रीज एंड वेस्टर्न यूरोप Okay, so the countries which we have in our Middle Eastern area, uh, Bahrain, Cyprus, um, Egypt and Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, uh, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Turkey, UAE and Yemen, all these are the countries of the Middle East. Now we will look at Western Europe that what are the countries uh, involved or included in the uh, Western Europe. Okay? और गर कंट्रीज़ विच आर इन वेस्टर्न यूरोप आर यूनाइटेड किंगडम यूके आयरलैंड नदरलैंड जर्मनी बेल्जियम ऑस्ट्रेलिया स्विट्जरलैंड फ्रांस डेनमार्क ऑल दीज आर इन द वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज ठीक है सो हमारी ट्रेड इनके साथ भी होती है जापान चाइना और यू एस ए के साथ भी होती है ठीक है तो हम इनके साथ इनसे अपने लिए इम्पोर्ट करते हैं चीज़ें ऑयल वगैरह टी और इस तरह की दूसरे जितनी भी चीज़ें हैं ठीक है थीके? अच्छा देन ट्रेड इज़ अ की एग्जांपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस फॉर एग्जांपल लार्ज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड रिलाई ऑन द मिडिल ईस्ट फॉर ऑयल वट दे आर सेइंग दैट ट्रेड यानी तिजारत जो चीज़ें हम लेते हैं या देते हैं गुड्स और इम्पोर्ट एक्स, एम, और एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको ट्रेड कहते हैं ठीक है जा रखिए एक सामान अपना दूसरे मुल्कों में या दूसरे शहरों में लेके जाना ठीक है तो ये क्या ये किस चीज़ की एग्जांपल है ये हमारे पास इंटर डिपेंडेंस की एग्जांपल है इंटर डिपेंडेंस क्या है कि हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं एक और एग्जांपल उसकी इंटर डिपेंडेंस की वो देते हैं कि हमारे वर्ल्ड का इस दुनिया का एक बहुत बड़ा बड़ा पार्ट है जो कि मिडल ईस्ट में मिडिल ईस्ट के ऑयल पर चलता है दिस चार्ट शोज़ सम ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट आर इम्पोर्टेड टू एंड एक्सपोर्टेड फ्राम पाकिस्तान पाकिस्तान इम्पोर्टेड यू एस डॉलर सिक्सटी पॉइंट थ्री बिलियन वर्थ ऑफ गुड्स फ्राम अराउंड द वर्ल्ड इन टू थाउजेंड एटीन पाकिस्तान एक्सपोर्टेड यू एस डॉलर ट्वेंटी थ्री पॉइंट सेवन बिलियन वर्थ ऑफ गुड्स इन टू थाउजेंड एटीन लेट्स देखें यहाँ पर हमने कहा था कि इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट बी हैव टू बी बैलेंस ठीक है बट लुक एट इट इम्पोर्ट यू एस डॉलर सिक्सटी पॉइंट थ्री बिलियन एंड एक्सपोर्ट यू एस डॉलर ट्वेंटी थ्री पॉइंट सेवन बिलियन यानी एक्सपोर्ट कितनी कम है और इम्पोर्ट कितनी ज़्यादा है ठीक है सो वट दे आर सेंग दिस मैप शोज एट वट वी एक्सपोर्ट एंड वाट वी इम्पोर्ट ठीक है ब्लू वन आर द एक्सपोर्ट एंड द रेड वन आर द एक्सपोर्ट्स ऑयल एंड मिनरल फ्यूल्स कितने रेशों पर हम इनको इम्पोर्ट करते हैं ठीक uh, है दैन एक्सपोर्ट देखें हमारी कितनी कम है इसकी कॉटन अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं और इम्पोर्ट बहुत कम लेवल पे करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीनरी इक्विपमेंट ये सिर्फ हम इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट नहीं करते और इस तरह से व्हीकल्स केमिकल्स एनिमल वेजिटेबल फ़ैट्स ऑयल वैक्सेस ऑयल सीज मशीनरी कंप्यूटर्स प्लास्टिक्स आयरन स्टील ये सब हम इंपोर्ट करते हैं इसमें से कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करते हैं ठीक है क्लॉिंग एक्सेसरीज सीरियल्स टेक्सटाइल्स व्लॉदिंग और बेवरेज विनेगर वगैरह शुगर स्वीट्स लेदर साल सल्फर स्टोन सीमेंट ये सब हम एक्सपोर्ट करते हैं ठीक है लेकिन इसकी भी रेशो कोई इतनी ज़्यादा नहीं है ठीक है एंड दैन ऑल अदर्स कंबाइंड और जितनी बाकी चीज़ें हैं ठीक है थीके? तो वो जितनी हम एक्सपोर्ट करते हैं उतनी ही है हम इम्पोर्ट भी करते हैं ठीक है तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कुछ इतनी अच्छी हमारी नहीं है इसमें ठीक है वेयर डू वी इम्पोर्ट गुड्स फ्राम एंड वेयर डू वी एक्सपोर्ट दैम टू कहाँ से हमें एक्सपोर्ट uh, करनी चाहिए और कहाँ से हमें इम्पोर्ट करनी चाहिए ठीक है कहाँ हमें एक्सपोर्ट करनी चाहिए कहाँ हमें इम्पोर्ट लुक एट दीज टू पाई चार्ट दैट शो विच कॉन्टिनेंट्स वी डू द मोस्ट ट्रेड विथ दीज आर द पाई चार्ट ठीक है चार्ट क्या होता है ये सर्कल में होता है और उसके ऊपर पाए उन्होंने डिफरेंट uh, एरियाज उन्होंने कवर किए होते हैं ठीक है ये चार्ट होता है रेड वन जो है वो एशिया है

एक्सपोर्ट्स ठीक है सो so, देखें ब्लू वन यानी कि ऑस्ट्रेलिया वगैरह कंट्री से जो हम करते हैं इंपोर्ट वो सबसे ज़्यादा है देन लैटिन अमेरिका है फिर अफ्रीका से सिक्स परसेंट देन फाइव पॉइंट थ्री परसेंट नॉर्थ अमेरिका से वन पॉइंट टू परसेंट यूरोप से और जीरो पॉइंट सेवन परसेंट एशिया से ठीक है इसी तरह अदर इधर एक्सपोर्ट किससे हम करते हैं थर्टी सेवन पॉइंट सिक्स परसेंट यही ऑस्ट्रेलिया वाला कंट्री से करते हैं ठीक है ग्रीन वन एनाइटेड अमेरिका से हम कर, को करते हैं चीज़ें ये जो हम भेजते हैं ठीक है इम्पोर्ट का रेशो आप देखें थर्टी सेवन पॉइंट सेवन है और सॉरी सेवेंटी थ्री पॉइंट सेवन है और इसका एक्सपोर्ट का रेशो देखें थर्टी सेवन पॉइंट सिक्स है कितना कम है ठीक है इम, इम्पोर्ट के मुकाबले में सो so, uh, <coughs> इसको इक्वल होना चाहिए ठीक है सो दिस इज़ इट फॉर टुडे इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू कंट्रीज एंड देयर करेंसीज एंड द रोल ऑफ द बैंक्स आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल दैट स्टे सेफ स्टे एट योर होम्स आफ स्टूडेंट्स